सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। हमने जैसा कि कल बताया था आपको कि आज से जो है हम लोग एक बार फिर से जुट रहे हैं और एक महीना बचा हुआ है हम लोगों के पास। एक महीने में हमको पूरा जो है तैयार कर लेना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता क्या है, देखिए कंजंक्शन का मतलब होता है जुड़ना। अगर आप दोस्तों, दो चीज होता है, एक कंजंक्शन होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। अगर आप शब्दों को जोड़ रहे हैं, अगर आप दो शब्द को जोड़ रहे हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर आप दो अगर वाक्यों को जोड़ रहे हैं, दो चीज है, एक शब्द को जोड़ना, एक वाक्य को जोड़ना। अगर आप शब्द को जोड़ेंगे तो वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगर आप वाक्य को जोड़ेंगे तो वाक्य को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो हम लोग आज जानेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है। जैसे दोस्तों याद रखिएगा, इसमें पूछा क्या जाता है, दे दिया जाएगा आपको, दे दिया जाएगा दोस्तों नो सूनर डॉट डॉट, ये होता है नो सूनर डॉट डॉट देन, नो सूनर डॉट डॉट देन होता है दोस्तों। अब करेंगे क्या, नो सूनर के साथ दोस्तों लगा देंगे देन, टी एच ई एन देन लगा देंगे, या नो सूनर के साथ साथ व्हेन लगा देंगे, डब्ल्यू एच ई एन व्हेन लगा देंगे, या नो सूनर के डॉट डॉट मतलब नो सूनर के साथ डॉट डॉट डेट लगा देंगे। तो याद रखिएगा कि नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, नो सूनर डॉट डॉट देन। उसी तरह दोस्तों, उसी तरह देखिए, हेलो गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी का कमेंट मैं देख रहा हूं, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं आप सबको, जय हिंद। और हम लोग जो है लगातार अपनी तैयारी जारी रखेंगे। मैंने कहा था दोस्तों कि आप लोग बीच बीच में जब मैं नहीं क्लास लेता हूं तो आप पुरानी क्लासेस देखा करिए, उसको देखते रहा करिए। क्योंकि देखिए अगर आप कंटिन्यूटी अपनी तोड़ देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए जो क्लासेस हमारी चल चुकी हैं, मैराथन क्लासेस जो चली हैं, उसको आप लोग जरूर देखिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने बताया कि नो सूनर के साथ देन लगता है, उसी तरह दोस्तों स्कैर्सली, सुनिएगा, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, ठीक, बेयरली, इसके सबके साथ, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, इसके सबके साथ दोस्तों व्हेन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा हमने बताया, आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, हार्डली, हार्डली, स्कैर्सली, एस सी ए आर सी एल वाई, सी स्कैर्सली, इसके सबके साथ दोस्तों व्हेन का प्रयोग करते हैं। पहला, सबसे पहले नंबर में लिख लीजिए दोस्तों कि नो सूनर डॉट डॉट देन, यानी कि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। हार्डली मिल जाए आपको, स्कैर्सली मिल जाए, इसके साथ व्हेन का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, नो सूनर डिड ही स्टार्ट राइटिंग, नो सूनर डिड ही स्टार्ट राइटिंग, नो सूनर डिड ही स्टार्ट द राइटिंग व्हेन व्हेन हिज पेन व्हेन हिज पेन रैन आउट ऑफ इंक, रैन आउट ऑफ इंक। यही है दोस्तों, अब हम देख क्या रहे हैं, यही चीज आपके एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, या फिर दोस्तों इसको लिख देंगे, इसको लिखने के बाद फिर यहां पर डॉट डॉट कर देंगे फिलिंग द, और इसको लिख देंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। चार ऑप्शन दे देंगे आपको, व्हेन दे देंगे, देन दे देंगे, देयर दे देंगे, नन ऑफ दीज दे देंगे, तो उसमें आपको भरना रहेगा। तो चाहे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मिल जाए, चाहे आपको कॉमन एरर में मिल जाए, आप केवल यही दो रूल याद रखिए, एक नो सूनर डॉट डॉट देन,
एक हार्डली स्केर्सली डॉट डॉट व्हेन, अगर ये मिलेगा तो इसके साथ देन का प्रयोग होगा, ये मिलेगा तो इसके साथ व्हेन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहां पे हमको मिला क्या है, नो सूनर मिला है। तो हमने अभी अभी लिखा है ऊपर कि नो सूनर के साथ व्हेन का नहीं देन का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नो सूनर डिड ही स्टार्ट राइटिंग, आगे डॉट डॉट है यानी कि देन हो जाएगा इसकी जहां पे देन हिज पेन रैन आउट ऑफ हिज इंक। देखिए दोस्तों एक एरर इसमें और आती है, एरर क्या रहेगा, ये डिड को यहां से हटाकर यहां कर देंगे, अर्थात डिड को यहां पर कर देंगे और पूछ लिया जाएगा एरर क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी आपको नो सूनर मिल जाए, जब भी आपको हार्डली मिल जाए, जब भी आपको स्केर्सली मिल जाए, इसके बगल में आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहती है, याद रखिएगा इसके बगल में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहती है। तो इसीलिए दोस्तों कभी कभी एरर यहां पर दे देंगे, डिड यहां कर देंगे और यहां पर देन ही कर देंगे, बोल देंगे कहां पर एरर है, तो याद रखिएगा फिर एरर यहां पर हो जाएगी। मतलब कि नो सूनर के साथ हमेशा जो है आपकी वर्ब आनी है, वो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगी। जैसे देखते हैं दोस्तों एक एग्जांपल हम हार्डली या स्केर्सली से लेते हैं, क्या है सुनिएगा, हार्डली हार्डली ही स्टूड, हार्डली ही स्टूड, हार्डली ही स्टूड टू डिलीवर। देखिए ये जो है जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रूल की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, तो रूल आप यहां लिखिए और इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोनों चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए लिखा हुआ है हार्डली ही स्टूड टू डिलीवर हिज स्पीच, टू डिलीवर हिज स्पीच, टू डिलीवर हिज स्पीच। आगे लिखा हुआ है When there was a, when there was a pandemonium, P A N D E M O D E M O N I U M, यही चीज है दोस्तों। अब देखिए हमने क्या कहा, अब इसमें आप मैंने कहा कि एरर बताइए, चलिए आप लोग अच्छा कमेंट करिए, बताइए कि इसमें एरर कहां पर है, इसमें एरर कहां पर है दोस्तों। अगर मैं इसको ए कर दूं, इसको बी कर दूं, इसको सी कर दूं और डी में कर दूं नो एरर, तो आप लोग बताइए इसमें एरर कहां पर होगी दोस्तों, इसमें एरर कहां पर होगी, कमेंट करिए, कमेंट करिए एक बार, आप लोग बताइए कि इसमें एरर कहां पर होगी। तो भाई मैंने कहा क्या कहा कि हार्डली या स्केर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, आप देखेंगे कहेंगे हार्डली लगा हुआ है, हार्डली के साथ व्हेन लगा हुआ है, अर्थात कह देंगे नो एरर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। लेकिन नहीं दोस्तों इसमें एरर है, एरर क्या है सुनिएगा भाई, हमने कहा कि जब भी आपको नो सूनर मिल जाए, जब भी आपको हार्डली मिल जाए, जब भी आपको स्केर्सली मिल जाए, जब भी आपको सेल्डम मिल जाए, जब भी आपको बेयरली मिल जाए, ये सब जब भी मिलेंगे तो याद रखिएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखी जाएगी। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों हार्डली लिखा हुआ है और हार्डली के साथ ही स्टूड लिखा हुआ है, अर्थात यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा, तो जो एरर है दोस्तों वो हमारी ए पार्ट में एरर है, अर्थात यहां पर होना चाहिए दोस्तों हार्डली, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी रहती किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो हार्डली डिड ही स्टैंड, तो ये हो जाएगा पार्ट ए दोस्तों। पार्ट ए में एरर है और पार्ट ए में सही क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा हार्डली डिड ही स्टैंड। तो समझ में आया कि नहीं दोस्तों बताइए, इसमें से दो इस तरह के प्रश्नों में दो तरह से एरर आ सकती है, एक या तो कंजंक्शन में एरर आएगा कि कंजंक्शन में गलत दे देंगे, और दूसरी एरर आएगी दोस्तों कि आपको यहां पर एरर दे देंगे, अर्थात इसके सबके साथ दोस्तों इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इसके सबके साथ हेल्पिंग वर्ब साथ में रखते हैं।
जैसे कि आगे चलते हैं अगले पर, नंबर दो पर चलते हैं दोस्तों। नंबर एक इसको आप नोट कर लिए होंगे, याद रखिएगा, नंबर दो देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो दोस्तों तो एक बार और आप देख लेंगे तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर देखिए, नंबर दो में देखिए दोस्तों, दूसरा है आपका दो या आल दो, दो या आल दो के साथ कामा या एट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों दो या आल दो के साथ कामा या एट का प्रयोग करते हैं कंजक्शन में। अगर दो या आल दो मिल जाए, दो या आल दो मतलब होता है यद्यपि, तो दो या आल दो मिल जाए तो इसके साथ या तो कामा लगेगा या तो एट का प्रयोग होगा। जैसे आल दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। तो दोस्तों जैसे आल दो ही वर्कड हार्ड, आल दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया कामा कामा ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें एरर कहां पर देंगे पता है, यहीं पर दे देंगे दोस्तों बट, यहीं पे क्या दे देंगे बट, आल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो आप लोग सोचेंगे यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, आप कहेंगे नो एरर, कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, दो या आल्दो अगर मिल जाएगा तो दो या आल्दो के साथ या तो कामा लगेगा और या तो एट लगेगा, बट कभी भी नहीं आएगा, बट कभी भी नहीं आएगा। तो ये रूल नंबर दो में था दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपकी सीट से, और वो एग्जांपल है दोस्तों देखिएगा, लिखा है दो द मीटिंग स्टार्टेड लेट, दो द मीटिंग स्टार्टेड लेट बट आगे है ऑल द मेंबर्स वर प्रेजेंट, बट ऑल द मेंबर्स वर प्रेजेंट। देखिए दोस्तों यही है, कह रहा है कि यद्यपि द मीटिंग स्टार्टेड, यद्यपि मीटिंग शुरू हो गई थी लेट मतलब देर में, यद्यपि मीटिंग देर में शुरू हुई बट माने लेकिन ऑल द मेंबर वर प्रेजेंट, सारे लोग उपस्थित थे। तो आप लोग इसका जब निकालेंगे तो आप लोग यही पढ़ेंगे कि मीटिंग लेट स्टार्ट हुई थी यद्यपि मीटिंग लेट स्टार्ट हुई थी लेकिन सभी लोग प्रेजेंट थे। तो आप कहेंगे इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर है दोस्तों। एरर कहां पे है, हमने कहा कि याद रखिएगा दो या आल्दो के साथ हमेशा या तो कामा लगेगा या तो एट लगेगा, अर्थात जो यहां पर बट है दोस्तों, यहां पर जो बट है, बट की जहां पे चाहे आप कामा लगा दीजिए और चाहे आप एट लगा दीजिए, तो जो हमारा एरर है वो यहीं पर एरर हो जाएगा, अर्थात बट नहीं होगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा कामा होगा या फिर एट होगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और बताइए। आगे चलते हैं तीसरे रूल पर। पहला हमने देखा कि नो सूनर के साथ देन लगेगा, हार्डली स्कैर्सली के साथ वैन लगेगा, दो आल्दो के साथ कामा या एट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर दोस्तों, तीसरे नंबर पर चलते हैं और क्या है तीसरा नंबर सुनिएगा, तीसरा नंबर है दोस्तों लिस्ट, लिस्ट के साथ हमेशा, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग
करते हैं। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, मतलब क्या हुआ दोस्तों? लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो दोस्तों सुनिएगा, वर्क हार्ड लिस्ट यू वुड फेल। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू वुड फेल, तुम फेल हो जाओ। आप इसका यही अर्थ निकालेंगे और कहेंगे सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एरर है दोस्तों, एरर कहां पर है याद रखिएगा। अगर आपको लिस्ट मिल जाता है, क्या मिल जाता है दोस्तों? अगर आपको लिस्ट मिल जाता है तो लिस्ट के बाद आने वाली क्लाज में, लिस्ट के बाद आने वाली क्लाज में हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां पर वुड नहीं होगा दोस्तों, यहां पर वुड नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहां पर? शुड हो जाएगा। मतलब वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी लिस्ट का प्रयोग मिल जाएगा हमको, जब भी हमको कंजंक्शन में लिस्ट मिल जाएगा तो लिस्ट के बाद आने वाली क्लाज में हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए। तीसरा मैं देख रहा हूं कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपकी सीट से ले लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है देखिएगा, लिखा है देखते हैं आपकी सीट से एक एग्जांपल। हाँ लिखा है, ही मस्ट बी काउंटेंट, ही मस्ट बी काउंटेंट, COUN, क्या है देखता हूं, COUNTIONED, काउंटेंट लिस्ट, he fell in ditch। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखते हैं, यहां पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ही फॉल लिखा है दोस्तों, वह गिर गया। रुक जाइएगा दोस्तों, ये नहीं होगा, ये मैंने दूसरे वाक्य का लिख लिया, जैसे देखिए, यू मस्ट टेक ज्यूडिशियस, या चलिए अच्छा छोड़िए दोस्तों, यही समझ लीजिए इसी से कि यू वर्क हार्ड, जब आपको सीट दी जाएगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। अभी हमको ढूंढना पड़ेगा इसमें कहां पर है उस तरह का, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आंसर है, मतलब कि करेक्ट इनकरेक्ट का है, इसमें पूरा दिया गया है, 25 वर्ड है। अब उसमें मैं एक एक वर्ड ढूंढूंगा तब जाके मिलेगा, क्रम वाइज नहीं दिया गया है। तो जब आप पूरा पढ़ के करेंगे तो कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिए, मतलब कि व्हाट्सएप पर बताइएगा या टेलीग्राम पे बताइएगा। व्हाट्सएप पर भी प्राइवेसी हटा दी गई है कि आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप वहां पूछ लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तीसरा हमने ये देख लिया। उसी तरह दोस्तों और जो है, ये तीन तो वेरी इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा, मैक्सिमम परीक्षा में इसमें से पूछे जाते थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे हम लिख देते हैं सारा, आगे हम सारा लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। नाइदर डॉट डॉट नॉर, या ईदर डॉट डॉट आर, ये आपका अगला है चौथा। देखिए दोस्तों, नीदर डॉट डॉट नॉर, ईदर डॉट डॉट आर, इसका प्रयोग हमेशा यही होता है। नीदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग होता है, ईदर डॉट डॉट आर का प्रयोग होता है, और याद रखिएगा इसके साथ शब्द जोड़ा जाता है। जैसे दोस्तों ईदर या नीदर का अगर प्रयोग हुआ है तो इसके साथ हमेशा आर या नॉर का प्रयोग होगा। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों ईदर और नीदर पर,
इधर और नीदर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइदर डॉट डॉट आर और नीदर डॉट डॉट नॉर, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे आपकी सीट में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देखिएगा, इधर ई आई टी एच ई आर, इधर ही नॉर हिज ब्रदर, नॉर हिज ब्रदर वाज गोइंग, इधर ही नॉर हिज ब्रदर वाज गोइंग। तो यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने कहा कि इधर डॉट डॉट आर का प्रयोग होगा और नीदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर इधर है और यहां पर नॉर है, अर्थात गलत कहां पर होगा दोस्तों, यहीं पर गलत हो जाएगा। इधर डॉट डॉट आर का प्रयोग होता है। और एक एरर और दे देते हैं दोस्तों, कभी कभी एक एरर और दे देते हैं, करेंगे क्या, यहां पर यस लगा देंगे और पूछ लेंगे अब कहां पर एरर है। तो अब दोस्तों यहां पर एरर हो जाएगी, मतलब चूंकि इधर डॉट डॉट आर, नीदर डॉट डॉट नॉर, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, इसके सबके साथ जो नजदीक में रहता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो नजदीक में दोस्तों ब्रदर्स रहेगा, तो ब्रदर्स रहेगा तो यहां पर वाज हो जाएगा, ठीक। लेकिन चूंकि हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए एरर कहां पर होगी, नॉर का और हो जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों नीदर डॉट डॉट नॉर का भी है, याद रखिएगा कि इधर के साथ आर का प्रयोग होगा, नीदर के साथ नॉर का प्रयोग होगा, यही एक चीज याद रखिएगा, जो एरर है यही पर एरर होगी। और जब आपको सीट दिया जाएगा तो उसमें आपको पूरा जो है, देखिए ये है ना किताब का ही है, पूरा जो है इसमें एरर दिया गया है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज वन है और इधर आपका एक्सरसाइज टू है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको करना है, मैं पीडीएफ बना दिया हूं इसकी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे इसको हल कीजिएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। आगे देखिए दोस्तों पांचवा, सो डॉट डॉट एज और एज डॉट डॉट एज, दो चीज दोस्तों, सो डॉट डॉट एज और एज डॉट डॉट एज, ये दो वर्ड हैं, इन दोनों का प्रयोग होता है साथ साथ के रूप में। जैसे रमेश के साथ मोहित, तो रमेश एज डॉट डॉट एज मोहित, रमेश एज मोहित, तो साथ साथ के लिए एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा सो डॉट डॉट एज का प्रयोग निगेटिव वर्ड में करेंगे, अगर आपका वाक्य निगेटिव रहेगा तो वहां पर सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे, अगर आपका वाक्य पॉजिटिव रहेगा तो वहां पर एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे। क्या बताया हमने, सो डॉट डॉट एज का प्रयोग आपका निगेटिव में होता है, एज डॉट डॉट एज का प्रयोग आपका पॉजिटिव में होता है, ठीक। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लू दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल लू, देखिएगा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा है एग्जाम्पल देख लीजिए, देखता हूं कहां पर है इसका, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको। देखिए एग्जाम्पल क्या है, सो डॉट डॉट एज, ये हर नेम इज, हर नेम इज सो ग्लोरियस इन आवर हिस्ट्री एज एज एनी अदर लीडर, एज एनी अदर लीडर, यही है दोस्तों। अब लिखा हुआ है इसी में हमको एरर बताना है, तो अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, वाक्य को पढ़ते हैं तो यहां पर मिलता है सो, फिर डॉट डॉट दोस्तों एज, सो डॉट डॉट एज मिला है। हमने कहा सो डॉट डॉट एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करेंगे, क्या इसमें कहीं नॉट दिख रहा है दोस्तों, क्या इसमें कहीं नेवर दिख रहा है, ना तो नॉट दिख रहा है ना तो नेवर दिख रहा है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस जो है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस में एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं तो जो आपका एरर होगा दोस्तों वो यहां पर एरर हो जाएगा, जो आपका एरर होगा वो आपका यहां पर एरर हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत हो दोस्तों बताइए,
किसी को कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। जैसे दोस्तों ही इज नॉट सो गुड एज अविनाश, ही इज नॉट सो गुड एज रमेश। तो देखिए ही इज नॉट सो गुड, वह इतना अच्छा नहीं है एज रमेश जितना कि रमेश। तो दोस्तों हिज यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, हमको मिला क्या, सो डॉट डॉट एज मिला, सो डॉट डॉट एज मिला, लेकिन देख रहे हैं यहां नॉट का प्रयोग है। और हमने कहा कि नॉट का मतलब हो गया निगेटिव, और निगेटिव में आपका सो डॉट डॉट एज का प्रयोग होगा, अर्थात ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो कहीं दिक्कत है दोस्तों बताइए, पांचों वर्ड हमने आज देख लिए। आगे चलते हैं, अगला रूल चलते हैं, अगले रूल पर चलते हैं दोस्तों। इसको सबको आप लिखते रहिए, और यही सारा चीजें पूछी जाती हैं घूम घुमा करके, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दें, चाहे आप CHSL का एग्जाम दें, चाहे जो एग्जाम दें, इंग्लिश तो आपकी वही सेम रहती है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट। आगे है अंटिल और अनलेस, देख लीजिएगा दोस्तों, अंटिल और अनलेस। देखिएगा दोस्तों अंटिल का प्रयोग कहां पर होता है, अनलेस का प्रयोग कहां पर होता है। अंटिल का प्रयोग होता है जहां पर आपको समय का पता रहे, और अनलेस का प्रयोग होता है जहां आपको शर्त दिया रहे। अनलेस और अंटिल, अंटिल का प्रयोग होता है जहां पर आपको समय ज्ञात हो, और अनलेस का प्रयोग होता है जहां पर आपको शर्त ज्ञात हो। जैसे दे कैन नॉट डू वेल, दे कैन नॉट डू वेल, दे कैन नॉट डू वेल अंटिल अंटिल दे वर्क हार्ड, अंटिल दे वर्क हार्ड। आप देखिए यहां पर पढ़ेंगे आप तो दे है, दे कैन नॉट डू वेल, वे अच्छा नहीं कर सकते, अंटिल यानी कि जब तक, इसका भी मतलब होता है जब तक, इसका भी मतलब होता है जब तक, लिख दे रहा हूं, इसका भी मतलब होता है जब तक, और इसका भी मतलब होता है जब तक। तो वे अच्छा परिश्रम या वे अच्छा कार्य नहीं कर सकते जब तक दे वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम नहीं करते। तो जब तक वे कठिन परिश्रम नहीं करते, वे अच्छा कार्य नहीं कर सकते। आप कहेंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती है दोस्तों। यहां पर आपको शर्त बताई जा रही है कि अगर दे वर्क हार्ड यानी कि वे कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, अगर वे कठिन परिश्रम करेंगे तभी तो वे मतलब अच्छा कार्य करेंगे। तो अर्थात दोस्तों हम देख रहे हैं कि शर्त क्या है, अच्छा कार्य नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, जब तक वे कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो यहां पर शर्त दी गई है दोस्तों, और शर्त दी गई रहेगी तो अंटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, अनलेस का प्रयोग कर देंगे, अंटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, अनलेस का प्रयोग कर देंगे। जैसे वेट हियर, सुनिएगा दोस्तों, यू वेट हियर अनलेस योर ब्रदर का, यहां इंतजार करो जब तक तुम्हारा भाई आ नहीं जाता, जब तक तुम्हारा भाई आ नहीं जाता तब तक यहां इंतजार करो। तो दोस्तों देख रहे हैं यहां पर समय बताया गया है कि जब तक तुम्हारा भाई नहीं आता, अर्थात समय की बात हो रही है कि जितनी देर तक तुम्हारा भाई नहीं आता उतनी देर यहां पर इंतजार करो। तो यहां पर दोस्तों अनलेस का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अंटिल का प्रयोग हो जाएगा। तो अर्थात अंटिल का प्रयोग जो होता है वो समय के लिए किया जाता है, और अनलेस का प्रयोग जो होता है वो शर्त के लिए किया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने सारे बता दिए। अब जो है इसकी एक्सरसाइज के लिए PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दी गई है, आप जो है वहां से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आप टेलीग्राम जो डाउट ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सारी चीजें कंजक्शन में जितनी भी चीजें पूछी जाती थी वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। हमने कहा कि अब जो है लगातार पढ़ना है, एक दिन में एक चैप्टर पूरा।
तो कल हम अगला चैप्टर देखेंगे क्या रहेगा आपके लिए, और आपका जो वोकैब है, वोकैब में idioms and phrases की PDF बन गई है, कल या परसों आपका सॉल्व करा दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।